नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर गार्गी शर्मा है। मैं कैलाश हॉस्पिटल ग्रेटर नोएडा में फीटल मेडिसिन कंसल्टेंट पद पर नियुक्त हूँ। फीटल मेडिसिन ऑब्स एंड गायनी की एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो गर्भ में पल रहे शिशु की जांच से संबंधित है। क्योंकि शिशु और माँ का स्वास्थ्य एक दूसरे से जुड़ा हुआ होता है, इसलिए फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट माँ की मेडिकल कंडीशन को ध्यान में रखते हुए शिशु की जांच करते हैं, और इसलिए इस ब्रांच को मैटरनल एंड फीटल मेडिसिन भी कहा जाता है। आज हम ये समझेंगे कि किस तरह स्क्रीनिंग, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट के जरिए फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट एक स्वस्थ माँ और एक स्वस्थ बच्चे के जन्म में आपकी मदद करते हैं। सबसे पहले तो स्क्रीनिंग उसे कहते हैं जिसमें बीमारी अभी हुई नहीं है, उसके लक्षण अभी नहीं आए हैं, लेकिन उसकी होने की संभावना को पहले से ही पता करके उपयुक्त ट्रीटमेंट स्टार्ट करना, ताकि बीमारी से या तो ना हो आगे चलकर भविष्य में, या उससे कम से कम माँ और शिशु की सेहत को कम से कम हानि पहुँचे। तो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट उसके लिए अल्ट्रासाउंड और कुछ ब्लड टेस्ट की हेल्प लेते हैं। तो सबसे पहले तो समझते हैं कि प्रेगनेंसी में हमें कब कब अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए और उनसे हमें क्या जानकारी मिल सकती है। तो पहला है डेटिंग स्कैन। जब आपका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है तो तब आपको एक डॉक्टर को अपने डॉक्टर को ऑब्स्टेट्रिशियन को कंसल्ट करना चाहिए। वो आपको डेटिंग स्कैन एडवाइस करते हैं 6 to 8 weeks पर। हम प्रेगनेंसी को डेट करते हैं आपके जो लास्ट पीरियड आता है उसके पहले दिन से उसकी डेटिंग स्टार्ट होती है। यदि आपके पीरियड्स रेगुलर हैं तो अल्ट्रासाउंड में 6 to 8 weeks में जो प्रेगनेंसी की डेट आती है और जो आपके पीरियड्स के अकॉर्डिंग होती है वो जनरली करस्पॉन्ड करती है। बट अगर इन केस आपके पीरियड्स इररेगुलर हैं तो ये स्कैन बहुत ज़रूरी हो जाता है आपकी प्रेगनेंसी को डेट करने के लिए। दूसरी चीज़, इस अल्ट्रासाउंड के दौरान हम देखते हैं कि प्रेगनेंसी की लोकेशन क्या है। वो यूट्रस में ही है, इंट्रा यूट्राइन है, या एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो नहीं है। एक्टोपिक प्रेगनेंसी वो जो यूट्रस के अलावा अन्य जगह पर स्थित होती है। मोस्ट कॉमनली यूट्रस से अटैच फेलोपियन ट्यूब्स होती हैं जिसमें प्रेगनेंसी लग जाने से प्रेगनेंसी उसमें बढ़ नहीं सकती, और फेलोपियन ट्यूब्स फटने की वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हो सकती है जिससे माँ को खतरा होता है। तो उसके लिए हाई रिस्क केसेस होते हैं, जैसे जिनका पहले एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो चुका हो, या पेल्विक इन्फेक्शन या सर्जरीज हो चुकी हों, या वो एंडोमेट्रियोसिस के मरीज हों, या IVF प्रेगनेंसी हो। तो ऐसे हाई रिस्क पेशेंट्स को ये स्कैन और भी जल्दी एडवाइस किया जाता है टू रूल आउट एक्टोपिक प्रेगनेंसी। इसके बाद सबसे महत्वपूर्ण स्कैन जो अल्ट्रासाउंड का होता है, अल्ट्रासाउंड जो प्रेगनेंसी में किया जाता है वो है NT-NB स्कैन, जिसे Level 1 स्कैन भी कहते हैं। NT-NB स्कैन का मतलब है NT यानी न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी, यानी बच्चे के गर्दन के पीछे की जो स्किन है उसकी थिकनेस को नापना, और NB यानी नेजल बोन, बच्चे के नाक की हड्डी को अल्ट्रासाउंड से असेस करना। ये दोनों ही चीज़ें डाउन सिंड्रोम के लक्षण होते हैं जो प्रेगनेंसी में बच्चे में सबसे पहले मिलते हैं, ये 11 से 13 हफ्ते के स्कैन NT-NB स्कैन में। हम क्यों डाउन सिंड्रोम के लिए परेशान हैं? क्योंकि बच्चों में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी का एक काफ़ी कॉमन कारण है, और सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को इसकी स्क्रीनिंग एडवाइस की जाती है, और ये एक बहुत ही अर्ली टाइम है जिसमें हम इसे 90% एक्यूरेसी तक भी डिटेक्ट कर सकते हैं। तो इसीलिए ये काफ़ी ज़रूरी बन जाता है। इसी स्कैन के साथ अगर हम ब्लड टेस्ट कराएंगे ड्यूअल मार्कर पेशेंट का, तो इसे कंबाइंड स्क्रीनिंग कहते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर कंबाइंड स्क्रीनिंग, और इसकी एक्यूरेसी डाउन सिंड्रोम के लिए अराउंड 90% है। तो इन डाउन सिंड्रोम में क्योंकि न्यूकल ट्रांसल्यूसेंसी बढ़ी हुई होती है और नेजल बोन नहीं दिखाई देती है, तो इन दो चीज़ों को असेस किया जाता है। साथ ही बच्चे की ग्रोथ देखी जाती है, एंड और भी कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस इस टाइम पर हम नोट कर सकते हैं, जैसे बच्चे के सर की हड्डी ना बनी हो, एनिसेफली जिसे कहते हैं, या रीढ़ की हड्डी में फोड़ा होना, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, ओमफेलोसिल, और ऐसी कई चीज़ें। इसी के साथ मदर के लिए भी इस टाइम पर स्क्रीन किया जाता है प्री एक्लेम्शिया के लिए। प्री एक्लेम्शिया एक प्रेगनेंसी के दौरान एक काफ़ी जटिल समस्या है, जिसमें 5वें महीने के बाद या पहले भी मदर का ब्लड प्रेशर बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य को हानि होती है।
ब्लड प्रेशर बढ़ने के कारण मदर का लीवर और किडनी भी अफेक्ट हो सकता है, और अगर उसे टाइमली कंट्रोल ना किया जाए तो आगे चल के ये एक्लेम्पशिया का रूप ले लेती है, जिसमें माँ को दौरे भी आ सकते हैं, झटके आ सकते हैं और माँ की जान को भी खतरा होता है। इसी के साथ इस वजह से बच्चे की ग्रोथ में भी फ़र्क पड़ता है, बच्चा कमज़ोर हो सकता है, और इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए टाइम से पहले डिलीवरी करनी पड़ती है, जिसमें बच्चे को जिसकी वजह से बच्चा कम वज़न का होने की वजह से लंबे समय तक आईसीयू में रखना पड़ता है। तो इसके लिए जो प्रोटोकॉल, स्क्रीनिंग प्रोटोकॉल डिज़ाइन किए गए हैं वो इसी टाइम से स्टार्ट होते हैं, और अगर कोई मदर इसके लिए हाई रिस्क पे आती है तो हम उनके लिए अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, ताकि आगे चलकर माँ और बच्चे को इसकी वजह से कम नुकसान हो। फिर इसी टाइम पे हम लोग सर्वाइकल लेंथ स्क्रीनिंग होती है NTNB स्कैन के दौरान, जिसमें समय से पहले प्रसव होने की संभावना को असेस किया जाता है। इन सभी कारणों की वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्कैन हो जाता है, सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को ये स्कैन ज़रूर कराना चाहिए और मिस नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट होता है 18 to 22 वीक्स पे लेवल 2 या एनोमली स्कैन, या फिर T5 स्कैन, टारगेट स्कैन जिसको कहते हैं। इसमें बच्चे के सभी अंगों को डिटेल में असेस किया जाता है और कॉन्जेनाइटल मैलफॉर्मेशंस रूल आउट की जाती हैं। अगेन बच्चे की ग्रोथ असेस की जाती है, प्लेसेंटा की लोकेशन, बच्चे के आसपास एमनियोटिक फ्लूइड लाइकर कितना है, एंड सर्वाइकल लेंथ स्क्रीनिंग भी इसी टाइम पे की जाती है। साथ में डाउन सिंड्रोम के लिए फिर से सॉफ्ट मार्कर्स के लिए असेस किया जाता है। सॉफ्ट मार्कर्स जैसे इकोजेनिक इंट्राकार्डियक फोकस, हार्ट में कोई ब्राइट स्पॉट होना, या फिर इकोजेनिक बाबल, आंतों का ज़्यादा चमकीला होना, नाक की हड्डी छोटी होना, या किडनी में सूजन होना, या ब्रेन में वेंट्रिकुलोमेगाली, पानी की मात्रा ज़्यादा होना। साथ ही अगर आपने अपना 11 से 13 हफ्ते पे NTNB स्कैन बाई चांस मिस हुआ हो, तो इस टाइम पे आप क्वाड्रुपल टेस्ट करा सकते हैं, या फिर आजकल एक नया रीसेंट टेस्ट है NIPT, जो 99% एक्यूरेट होता है डाउन सिंड्रोम के लिए। तो इन सभी स्क्रीनिंग टेस्ट की जानकारी आप अपने डॉक्टर से या फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट से ले सकते हैं कि आपके लिए कौन सा अप्रोप्रिएट स्क्रीनिंग टेस्ट रहेगा। उसी के साथ मैं ये बताना चाहूँगी कि अगर हम कोई भी स्क्रीनिंग टेस्ट कराते हैं, जैसे कि कंबाइंड टेस्ट कराया हमने, या क्वाड्रुपल कराया, NIPT, या फिर अल्ट्रासाउंड में कोई सॉफ्ट मार्कर्स मिल रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। ये सब स्क्रीनिंग टेस्ट हैं, दे आर नॉट कन्फर्मेटरी। इसे आगे कन्फर्म करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, जिसके लिए और भी आगे टेस्ट हैं, जैसे कि कोरियोनिक विलस सैम्पलिंग या एमनियोसेंटेसिस, जिसके थ्रू हम 100% एक्यूरेसी से ये पता कर सकते हैं कि बच्चे में डाउन सिंड्रोम होने का रिस्क, यानी कि जो चांस स्क्रीनिंग टेस्ट में ज़्यादा आया है, हम उसे कंफर्म कर सकते हैं बाय कैरियोटाइपिंग कि बच्चा डाउन सिंड्रोम से अफेक्टेड है या नहीं, और अपनी प्रेगनेंसी को आगे बढ़ाने का डिसीजन हम फिर निश्चिंत होकर ले सकते हैं इफ इट इज़ नेगेटिव। उसी के साथ आगे अगर हम आगे बढ़ते हैं, तो फिर आता है नेक्स्ट स्पेशलाइज स्कैन, फीटल इकोकार्डियोग्राफी, जो 22 to 24 वीक्स में जनरली एडवाइस किया जाता है। फीटल इकोकार्डियोग्राफी उन पेशेंट्स के लिए ज़्यादा ज़रूरी है जिनके अगर प्रीवियस प्रेगनेंसी में जो बेबी था उसमें कोई हार्ट डिफेक्ट था, या कोई क्लोज रिलेटिव हैं जैसे भाई या बहन जिनमें जन्म से हार्ट में कोई दिक्कत है, या उन पेशेंट खुद किसी मेडिकल कंडीशन से सफ़र कर रहा है और उसके लिए कुछ मेडिसिंस चल रहे हैं जिनमें बच्चे में ऐसा असर आ सकता है, या पेशेंट डायबिटिक हो, जिस टाइम पे उन्होंने कंसीव किया अगर वो डायबिटिक हो तो भी बच्चे में हार्ट डिफेक्ट का रिस्क बढ़ जाता है, या फिर मल्टीपल प्रेगनेंसी IVF कंसेप्शंस में, तो ऐसे में फीटल इकोकार्डियोग्राफी एडवाइस की जाती है, जो 20 to 22 वीक्स पे कराई जाती है। उसके बाद प्रेगनेंसी की आखिरी तिमाही में ग्रोथ एंड डॉपलर स्कैन होते हैं। ग्रोथ स्कैन से हम अगेन बच्चे की ग्रोथ असेस करते हैं, उसका वेट अप्रोप्रिएटली बढ़ रहा है या नहीं, और एमनियोटिक फ्लूइड की मात्रा कैसी है। अगेन वी लोकलाइज द प्लेसेंटा और सर्वाइकल लेंथ, अगर प्रीवियस सिजेरियन है तो स्कार थिकनेस भी असेस करने की कोशिश की जाती है, और अगर हमें मिल रहा है कि बच्चा कमज़ोर है, वज़न कम है, या एमनियोटिक फ्लूइड यानी कि लाइकर की मात्रा कम है, तो फिर डॉपलर स्कैन्स जिसमें बच्चे को खून पहुंचाने वाली नलियों में खून के प्रवाह को स्टडी करके वी कैन असेस द कॉज के क्या कारण है, क्यों बच्चे का ग्रोथ कम है, और उसके लिए क्या किया जा सकता है फर्दर।
तो इन्हीं सब स्कैन्स और इसकी मदद से यदि गर्भ में हमें पता चल रहा है कि बच्चे में कोई परेशानी दिख रही है, तो फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट उसके कारण को पता करने में, उसके जेनेटिक कॉज को पता करने में आपकी मदद करते हैं। और आगे आपके ऑब्स्टेट्रिशियन और नियोनेटोलॉजिस्ट के साथ मिलकर डिलीवरी का सही समय प्लान करने में आपकी सहायता करते हैं। देन देन और इसके अलावा फीटल मेडिसिन की यूटिलिटी है, जैसे RH ISO इम्यूनाइजेशन में अगर आपका ब्लड ग्रुप नेगेटिव है एंड प्रेग्नेंट पेशेंट का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है और हस्बैंड का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, इन दैट केस मोस्टली जो पेट बच्चा है, जो फीटस है, उसका ब्लड ग्रुप पॉजिटिव होने की संभावना ज़्यादा रहती है। और डिलीवरी के टाइम पे हमें सब बच्चे का ब्लड ग्रुप पता करके आफ्टर डिलीवरी विद इन 72 आवर्स एंटीडी इंजेक्शन मदर को देना चाहिए, ताकि मदर के अंदर ऐसी एंटीबॉडीज ना बने जो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर खून की कमी कर सकती है। और अगर एंटीडी नहीं मिला हो टाइमली तो नेक्स्ट प्रेगनेंसी में बच्चे के अंदर खून की कमी हो सकती है, जिसकी वजह से बच्चा हार्ट फेलियर में जा सकता है। तो उसको खून की कमी को असेस करने के लिए भी अल्ट्रासाउंड्स आर हेल्पफुल एंड यू कैन कॉन्टैक्ट योर फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट टू लुक फॉर दैट। इसके अलावा ट्विन प्रेगनेंसीज हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती हैं। ट्विन प्रेगनेंसीज दो तरह की होती हैं, आइदर डाइकोरियोनिक या फिर मोनोकोरियोनिक। डाइकोरियोनिक, यहाँ दो बच्चे हैं, दोनों का प्लासेंटा अलग रहता है, सो दिस इज़ द मोस्ट कॉमन फॉर्म ऑफ ट्विन प्रेगनेंसी। और मोनोकोरियोनिक, जिसमें सिंगल प्लासेंटा दोनों बच्चे शेयर करते हैं। ड्यू टू शेयरिंग, इस प्लासेंटल शेयरिंग की वजह से इसमें कई यूनिक कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे ट्विन ट्विन ट्रांसफ्यूजन सिंड्रोम या सेलेक्टिव फीटल ग्रोथ रेस्ट्रिक्शन। तो उसके लिए भी, ऐसी प्रेगनेंसीज की मॉनिटरिंग के लिए भी आप स्पेशलाइज्ड स्कैन्स की हेल्प से इनको जल्दी पकड़ सकते हैं। नेक्स्ट आता है बिफोर प्रेगनेंसी, हाउ कैन फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट हेल्प यू। तो अगर प्री कंसेप्शनल पीरियड में आप कंसल्ट कर सकते हैं फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट को, अगर आपके फैमिली में कोई जेनेटिक इलनेस है या आपके प्रीवियस बेबी में कोई इलनेस है जिसका आप जानना चाहते हैं कि क्या रिकरेंस रेट हो सकता है, आपकी नेक्स्ट प्रेगनेंसी में क्या परसेंट हो सकता है, क्या अफेक्शन के चांसेस हैं, तो उसमें वी कैन हेल्प यू लेटर। एंड अगर कोई मेडिकल इलनेस है पेशेंट को खुद, तो उसका आगे प्रेगनेंसी में बच्चे पे क्या असर पड़ सकता है और उसको प्रिवेंट करने के लिए पहले से क्या किया जा सकता है, ये भी समझने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। देन अगर बार बार बच्चे ख़राब हो रहे हैं अर्ली प्रेगनेंसी में, 2 मंथ्स में या 3 मंथ्स में मिस्ड अबॉर्शंस या प्रेगनेंसी लॉस हो रहे हैं, 2 या 3 बार ऐसा हो चुका है, तो उसके कारण को भी ढूंढने में फीटल मेडिसिन की हेल्प ली जा सकती है। देन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी, अगर जो भी कपल्स अपनी प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, इररिस्पेक्टिव ऑफ एवरीथिंग, फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन लेना ज़रूर करें व्हेन यू स्टार्ट प्लानिंग फॉर योर प्रेगनेंसी, बिकॉज फॉलिक एसिड की डेफिशिएंसी से न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स होने का रिस्क बहुत बढ़ जाता है। एंड जस्ट इफ एक छोटा सा फॉलिक एसिड के 5 मिलीग्राम के टैबलेट रोज एक लेने से वी कैन रिड्यूस दैट रिस्क टू बाई 70%। सो व्हेनेवर यू प्लान फॉर प्रेगनेंसी, आप ऑब्स्टेट्रिशियन से भी कंसल्ट कर सकते हैं या एक फॉलिक एसिड की टैबलेट 5 मिलीग्राम लेना 1 मंथ पहले से स्टार्ट कर सकते हैं। देन आई कैन सी मोस्ट कॉमन फीटल डिजीजेस में, देखिए हार्ट डिजीजेस मोस्ट कॉमन कॉन्जेनाइटल एनोमली रहती हैं, तो उसकी स्क्रीनिंग के लिए लेवल 2 स्कैन usually sufficient होता है। but if there is any doubt या कोई suspicion है तो फिर fetal echocardiography बोली जाती है। next we have neural tube defects, जैसा मैंने बताया, जो mostly folic acid deficiency की वजह से होते हैं, उनके लिए assess किया जाता है। down syndrome screening आजकल widely सबको offer की जाती है, तो down syndrome के markers मिलना, फिर उसका further assessment, ये भी एक काफ़ी common fetal affection हो गया है। देन सिम्टम्स ऑफ हाई रिस्क प्रेगनेंसी, हाई रिस्क प्रेगनेंसी डिफाइंड होती है, जैसे इफ द एज ऑफ द मदर इज मोर देन 35 की अगर एज है मदर की, या प्रीवियस आपके प्रेगनेंसी लॉसेज एसोसिएटेड हैं, बैड ऑब्स्टेट्रिक हिस्ट्री जिसको कहते हैं, या आप
पेशेंट डायबिटिक हैं या हाइपरटेंशन पहले से है या प्रेगनेंसी में डेवलप कर रहे हैं, ट्विन प्रेगनेंसी है, प्रेशर्स प्रेगनेंसी है, IVF प्रेगनेंसी है, या फिर कोई भी मेडिकल कंडीशन अगर साथ में एसोसिएटेड है, बीट अनीमिया, अगर खून की ही कमी है, तो भी इट इज़ अ हाई रिस्क प्रेगनेंसी. वॉट कंडीशंस रिक्वायर फीटल मेडिसिन? कंडीशंस यू शुड गेट योर स्पेशलाइज्ड स्कैन्स लाइक NTNB स्कैन्स एंड टारगेट स्कैन्स. यू कैन गेट देम थ्रू फीटल मेडिसिन एक्सपर्ट. इफ योर बायो इफ योर स्क्रीनिंग फॉर डाउन सिंड्रोम कम्स टू बी हाई रिस्क, देन यू कैन कंसल्ट अ फीटल मेडिसिन. एंड जैसा कि मैंने बताया कि अगर आपके प्रीवियस बेबी में कोई एनोमली है या फैमिलियल कोई डिजीज़ है जिसके रिस्क के बारे में आप जानना चाहते हैं, देन यू कैन कंसल्ट फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट. या फिर आपके प्रेजेंट प्रेगनेंसी में ही अल्ट्रासाउंड में कोई एनोमली, अगर बेबी में कोई एनोमली आ रही है या फिर ग्रोथ रेस्ट्रिक्टेड आ रहा है या कोई समस्या आ रही है, देन यू कैन कंसल्ट फीटल मेडिसिन स्पेशलिस्ट. देन प्री कंसेप्शनल पीरियड की जैसे हम बात कर रहे थे या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, देर इज़ वन मोर थिंग अदर देन दिस रूटीन फॉलिक एसिड सप्लीमेंटेशन और आपके ये स्कैंस वगैरह, स्पेशलाइज स्कैंस, एक बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी होना बहुत ज़रूरी है. बीटा थैलेसीमिया मेजर जो बच्चों में अफेक्ट करता है, वो एक काफ़ी गंभीर समस्या है जिसमें बच्चे विदाउट ब्लड ट्रांसफ्यूजन सर्वाइव नहीं कर पाते हैं एंड दैट रियली रिड्यूसेस देयर क्वालिटी ऑफ लाइफ. और तो उस वजह से बीटा थैलेसीमिया तब होता है अगर पेरेंट्स में बीटा थैलेसीमिया ट्रेट हो दोनों पेरेंट्स में, एंड यूजुअली इट गोज़ अननोटिस्ड क्योंकि ट्रेट में बहुत ज़्यादा खून की कमी नहीं होती है. तो एक बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग अगर हर प्रेग्नेंट पेशेंट कराएगी तो हाई रिस्क केसेस को जल्दी पकड़ने में आसानी होगी. सो बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग एवरीबडी शुड गेट इट डन ड्यूरिंग देयर प्रेगनेंसी. जो हम फर्स्ट ट्राइमेस्टर में टेस्ट कराते हैं उसमें एक बीटा थैलेसीमिया स्क्रीनिंग भी ज़रूर होनी चाहिए. What symptoms not to ignore in pregnancy? Okay, अगर जैसे शुरुआत में कई लोगों को वॉमिटिंग रहती है, चक्कर आते हैं, तो थोड़ा बहुत इससे तो कोई दिक्कत नहीं रहती है. लेकिन अगर आपको वॉमिटिंग परसिस्टेंटली हो रही है कि आप पानी भी नहीं पी पा रहे हैं एंड यूरिन भी नहीं हो रहा है, देन यू शुड कंसल्ट. यू आर लूजिंग वेट तो फिर आपको कंसल्ट करना चाहिए. हाइपरएमेसिस के सिम्टम्स होते हैं. आगे चलकर प्रेगनेंसी में अगर पैरों में सूजन आ रही है जो रेस्ट लेने से भी सबसाइड नहीं हो रही है, या आपको पालपिटेशंस हो रहे हैं, अपनी धड़कन पता चल रही है, ब्रेथलेसनेस, आपके रोज़ाना के कामों में भी आपको ब्रेथलेसनेस हो रही है, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. फीटल मूवमेंट्स का ध्यान रखना होता है आपको आगे प्रेगनेंसी में. बाई 7th-8th month एटलीस्ट 10-12 movements आपको रोज़ मिलने चाहिए. अगर आपको कम मूवमेंट्स मिल रहे हैं तो इट्स अ डेंजर साइन. और परसिस्टेंटली कम मिल रहे हैं या रोज़ाना के पैटर्न से कम मिल रहे हैं, देन यू शुड कंसल्ट योर डॉक्टर. ओके, आई होप कि इस जानकारी से आपको फ़ायदा होगा, आप फीटल मेडिसिन का लाभ उठा पाएंगे. और सभी प्रेग्नेंट पेशेंट्स को आई विश ऑल द बेस्ट उनके सुखद प्रेगनेंसी के अनुभव की मैं कामना करती हूँ. थैंक यू सो मच.